नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों चंद्र बिंदु या इसी को हम लोग अनुनासिक बोलते हैं क्या बोलते हैं के तो चंद्र बिंदु या अनुनासिक क्या है किस प्रकार से हम लोग चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ते हैं अच्छा सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि ये चंद्र बिंदु और बिंदी में क्या अंतर होता है दोस्तों दोनों में बहुत बड़ी अंतर होता है सबसे ज्यादा दिक्कत दि, दोस्तों को इसमें होती है कि लिखते समय कैसे ध्यान में रखें कि कहां पे चंद्र बिंदु होगा और कहाँ पे बिंदी होगा तो सबसे पहला हम लोग प्रश्न ये सॉल्व करते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है ठीक है देखिए इसका नाम है चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा के ऊपर आधा चंद्रमा के ऊपर बिंदी लगेगा इसको हम लोग चंद्र बिंदु बोलेंगे ठीक है इसका इसको अनुनासिक भी बोलते हैं अनुनासिक क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण इसका ध्वनि इसका जो मतलब कि प्रोनाउंसिएशन है ये नाक से होता है देखिए नाक से होने का मतलब क्या है नाक से होने का मतलब है कि देखते होंगे किसी को सर्दी हुआ रहता है या कोई देखते होंगे नाक के बल बोलता है कैसे जैसे बोलता है दांत देखिए, मुह ऐसे बोले मुह देखिए मुह मुह नहीं मुंह जांच कैसे जांच तो कोई क्या बोलता है घर के लोग गुस्सा करते हैं छोटे बच्चे बोलते हैं तो कि क्या नाक से बोल रहा है, सीधा बोलो नाक से मतलब कि ध्वनि ऐसा लगता है कि उसके नाक से होकर निकल रहा है मुंह से डायरेक्ट नहीं निकल रहा है इसीलिए अनुनासिक भी बोलते हैं इसको हम लोग ठीक ना बहुत सारे शब्दों की सहायता से बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सभी शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा लिखना भी सिखाऊंगा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप लिखते समय ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे अनुनासिक होगा कहाँ पे बिंदी होगा थोड़ा सा बिंदी पे हम लोग चर्चा करते हैं ये जो बिंदी है दोस्तों देखिए इस बिंदी को तीन तरीके से पढ़ा जाता है कैसे एक दोस्तों आधा न के रूप में एक आधा म के रूप में और एक अणा के रूप में हाँ दोस्तों बहुत बड़ी अंदर है बहुत बड़ी अंतर है जबकि आप चंद्र बिंदु को ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं केवल चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक से होगा इसका ध्वनि नाक से निकलेगा उच्चारण तो मुंह से ही होगा ध्वनि नाक से निकलेगा इसका ठीक है लेकिन इसका जो है अलग होता है बिंदी का आधा न आधा म और आधा अण के रूप में तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ अन की मात्रा पर पिछले क्लास में मैं अपलोड किया हूँ देख सकते हैं आज की इस क्लास में मैं चंद्र बिंदु वाले बहुत सारे शब्दों को जब मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा तो आप मतलब इसी क्लास से यह भी क्लियर कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ से एक एक शब्दों पे खूब ध्यान से हम लोग समझते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये जा च आप बोल कर देखिए जाच अगर जा नहीं बोलते जाच देखिए जा च जाच तो जाँच नहीं होता है जाँच होता है क्या होता है जाँच किसी भी चीज का टेस्ट करना जांच समझते हैं ना जांच दांत क्या बोलते हैं दांत अगर चंद्र बिंदु हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दांत दांत तो दांत तो नहीं होगा दांत होता है क्या होता है दांत बांस देखिए कैसे बोलेंगे आप बांस अगर चंद्र बिंदु हटा दिया जाए तो कैसे इसका उच्चारण होगा बांस बांस नहीं बांस होता है क्या होता है बांस बांस मुंह देखिए मुंह मुंह नहीं मुंह बोलकर आप देखेंगे ठीक है ना मुंह चांदनी कैसे पढ़ेंगे चांदनी देखिए चांदनी बाकपन, देखिए बाकपन बाक, बाक बाकपन जहां कैसे पढ़ेंगे जहां अच्छा अगर बिंदी की बात करें हम लोग तो ये आधा रूप में होगा जैसे यहाँ पे ब के ऊपर अगर बिंदी हम लोग दे दें ठीक है और स लिख तो ये बांस हो 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 जाएगा हो जाएगा जाएगा क्या बांस 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 नहीं होगा ये हो जाएगा बांस इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं आधार ना के रूप में लिख सकते हैं इस बिंदी को जो ऊपर मैं दिया हूं ठीक है लेकिन चंद्र बिंदु को आधार ना के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं ये बिल्कुल अलग है दोस्तों जब भी लिखा जाएगा चंद्र बिंदु ही लिखा जाएगा ठीक है लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी आ, काफी सिमिलरिटीज होती है समानता होता है वो भी मैं आगे, आगे आपको बता दूंगा इंग्लिश वाले क्लासेज में चलिए यहां पे देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे जहां तहा कैसे पढ़ेंगे तहा वहां क्या बोलेंगे इसको हम लोग वहां हंस देखिए अब थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे इसको हंस नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हंस अगर हा के ऊपर बिंदी रहता है और सा इसको हम लोग हंस पढ़ते वो हंस जो पक्षी होता है हंस लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे हंस हंसना आप सुने होंगे हंसना जैसे आप हंसते हैं तो हंस क्या बोलेंगे हंस बुंदेल तितलियां तितलियां अच्छा जितने पुलरल शब्द आपको मिलेंगे ना जिससे एक से अधिक का बोध होगा तितलियां लड़कियां लकड़ियां बकरियां बंदरियां सांवरियां तो देखिए ये सब में जो है दोस्तों लास्ट में ये जो बिंदी आप देख रहे हैं चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु ही लगेगा पुलरल में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो लिखते समय आपको ये बहुत बड़ा फायदा करने वाला है जब भी आपको कोई बोलता है लिखने के लिए लकड़िया तो आप झट से लास्ट में ये चंद्र बिंदु लगा देंगे लकड़िया अगर कोई बोलता है आपको लिखने के लिए बकरिया तो ब क रिया बकरिया सावरिया थोड़ी सी दिक्कत आपको इन सब दो अक्षर तीन अक्षर में होगा बड़े अक्षरों में तो हमको लगता है नहीं दिक्कत होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये चंद्र बिंदु वाले ही पुलरल फॉर्म में ही मिलता है चलिए तो यहां से पढ़ते हैं गांव पाव क्या पढ़ेंगे पाव कांव कौआ कैसे बोलते हैं काउ काउ कैसे हम बोलते हैं काउ छांस आंकना कैसे आकना लड़कियां कैसे पढ़ेंगे लड़कियां झांस आँख कैसे पढ़ेंगे आंख पांच ऊंचा कैसे ऊंचा दोस्तों आप शब्दों को प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो लिखते समय भी आपको काफी मतलब कि हेल्प होने वाला है तो पहले मेरे साथ में इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि लिखते समय भी आपको हेल्प मिले हाफना कैसे पढ़ेंगे हाफना बुंदरिया देखिए ये हो गया है बुंदरिया जबकि बंदरिया होता है गलत टाइपिंग हो गया है लेकिन ये लिखा क्या है बुंदरिया करूं क्या करूं कोई नहीं बोलता क्या करूं तो करूं देखिए करूं ऐसे देख रहे हैं ना बिंदु लगेगा करू मरु आच पढ़ेंगे पड़ेंगे धुआड़ क्या पढ़ेंगे धुआड़ ये गलती टाइपिंग हो गया है बकरिया होगा सुन्ड मांग क्या पढ़ेंगे मांग आत पाते कैसे पढ़ेंगे पात नांगल सावरिया क्या पढ़ेंगे सावरिया घूट हाफ माख क्या पढ़ेंगे के हंसा कैसे पढ़ेंगे हंसा आंचल गरड़िया देखिए गरड़िया जितने पुलरल में मिलेगा मिठाइया कहानियां चमेलियां बहेलियां सहेलियां ये सब दोस्तों लास्ट में क्या लगेगा चंद्र बिंदु लगेगा ठीक है बाकी शब्दों पे आपको ध्यान देना है कोई शब्द आपको लिखने के लिए बोल रहा है तो थोड़ी सी शब्द को सुनना है सुनने के बाद खुद से उसको प्रोनाउंस करना है कि उसका शुद्ध रूप से उच्चारण कैसे हो रहा है उसमें न का उच्चारण तो नहीं हो रहा है यदि न का उच्चारण हो रहा है या अण का उच्चारण हो रहा है या आधा म का उच्चारण हो रहा है या तीनों में से किसी का भी उच्चारण हो रहा है तो आप वहाँ पे आसानी से बिंदी लगा देंगे जबकि इन तीनों में से कोई भी उच्चारण नहीं दिखेगा लगेगा कि इसका ध्वनि नाक से निकल रहा है तो आप वहां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे ठीक है चंद्र बिंदु जैसे कि इतना सारा शब्द आप पढ़कर अभी देखे हैं आगे मैं और भी शब्द आपको बताने वाला हूं देखिए तो यहां पे लिखा कहा, कहाँ खून झांसी बूंद ढूंढना आप मेरे साथ में बोलकर देखिए प्रैक्टिस कीजिए ठीक ना ढूंढना मिठाइया द माज कला कैसे पढ़ेंगे कला नाद गुंजना कैसे पढ़ेंगे गुंजना कहानिया धुआ यहां चांद बासुरी चमेलिया कैसे पढ़ेंगे चमेलिया माझी घाटी जांग हाफना कैसे पढ़ेंगे हाफना सिपिया टहनिया क्या पढ़ेंगे टहनिया खाट काट कैसे काट चांगा क्या पढ़ेंगे चांगा झाकना कैसे झांकना मांगना चवनिया पाख तांगा तांगा दो बार हो गया है बांसुरी भाषाएं कैसे पढ़ते हम लोग भाषाएं भाषा से भाषाएं बना है लकड़िया टांगा सांगा धंधा कलाएं कैसे पढ़ेंगे कलाएं हंसना हंसना देखिए हंसना नहीं ना बोलते कैसे बोलते हैं हंसना हंसना ठीक है इसे हंसना उसके बाद देखिए ककर्णिया आगा वाम ताक चिड़िया चिटिया सहेलिया कैसे पढ़ेंगे सहेलियां तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को यहां पे आप पढ़कर देखें अब यदि लिखने के लिए आपको कोई बोल रहा है तो ध्यान से पहले शब्दों को सुनना है जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है लिखने के लिए भाषाएं ए देखिए ए आ रहा है क्या आ रहा है ए कलाएं ए आ रहा है ठीक ना तो आप जैसे भाषाएं लिखना है तो भाषा शा ए, ए मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु ठीक ना कलाएं देखिए क ला ए इसके ऊपर चंद्र बिंदु ठीक ना बकरियां या लड़कियां यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए लड़कियां देखिए देखिये की या देखिए या तो आपको तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जितने पुलरल फॉर्म में होते हैं यानी बहुवचन यानी उन शब्दों से ऐसा लगता है कि ज्यादा संख्या है तो आप उन शब्दों को लिखते समय लास्ट में आप ये चंद्र बिंदु जरूर लगाएंगे बकरियां लकड़ियां लड़कियां चवनिया ठीक ना मखनिया धोवनिया तो इन सब शब्दों पे आपको ध्यान देना है आसानी से आप दोस्तों लिख पाएंगे समझ पाएंगे तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है बिल्कुल फ्री में रेगुलर आपको क्लासेज भी मिलेंगे समय समय से आपके पास क्लास भी पहुँचते रहेगा तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं मिलते अगले क्लास में जय हिंद